नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रैक UPPCS में। दोस्तों, RO की मुख्य परीक्षा 17 व 18 फरवरी को प्रस्तावित है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO की परीक्षा भी 24 फरवरी को ही प्रस्तावित है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मंडी परिषद परीक्षा मार्च में भी प्रस्तावित है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपकी तैयारी लगभग पूरी हो गई होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी के 30 प्रश्नों को हल करेंगे। आप इसे टेस्ट समझ के हल कीजिएगा। नियमित रूप से हमारे चैनल के माध्यम से एक प्रैक्टिस सेट GS का और एक प्रैक्टिस सेट हिंदी का उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे आपकी तैयारी में काफ़ी मदद हो। और जितने प्रश्न आपके इस वीडियो में सही हों उसे कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो से दोस्तों आपके पेपर में निश्चित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए, इसका विलोम बताना है आपको। प्रश्न संख्या 41 है, दयालु। दयालु का विलोम के लिए ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए है उदार, ऑप्शन नंबर बी है कठोर, ऑप्शन नंबर सी है निर्दय या ऑप्शन नंबर डी है सदैव। तो दयालु का जो विलोम होता है वो होता है निर्दय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। 141 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दयालु का विलोम निर्दय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 142 है, विस्तीर्ण का विलोम होगा, ऑप्शन नंबर ए है संकीर्ण, ऑप्शन नंबर बी है विकीर्ण, ऑप्शन नंबर सी है विकिरण, ऑप्शन नंबर डी है प्रकीर्णन। तो 142 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, विस्तीर्ण का विलोम संकीर्ण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 143 है, विकसित का विलोम क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अविकसित, ऑप्शन नंबर बी है विकासशील, ऑप्शन नंबर सी है विकासशील, ऑप्शन नंबर डी है अल्प विकसित। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, विकसित का जो होता है विलोम वो होता है अविकसित। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 144 है, विहित का विलोम क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है निहित, ऑप्शन नंबर बी है निषिद्ध, ऑप्शन नंबर सी है ग्रहित, ऑप्शन नंबर डी है सुहित। तो जो विहित का होता है विलोम जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी निषिद्ध होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 145 है, दीर्घकाय का विलोम क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है विशालकाय, ऑप्शन नंबर बी है लघुकाय, ऑप्शन नंबर सी है कृशकाय या ऑप्शन नंबर डी है देवकाय। तो 145 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दीर्घकाय का विलोम जो होता है वो होता है कृशकाय। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 146 है, निष्काम का विलोम क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है सकाम, ऑप्शन नंबर बी है विश्राम, ऑप्शन नंबर सी है अकाम या ऑप्शन नंबर डी है अकर्मण्य। तो जो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए, निष्काम का जो विलोम होता है वो होता है सकाम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 147 है, अलौकिक का विलोम क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है लौकिक, ऑप्शन नंबर बी है पारलौकिक, ऑप्शन नंबर सी है भौतिक या ऑप्शन नंबर डी है नैसर्गिक। तो इसका जो सही जवाब है वो अलौकिक का विलोम जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी पारलौकिक होता है, जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 149 है, बहिष्कार का विलोम क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है हड़ताल, ऑप्शन नंबर बी है स्वीकार, ऑप्शन नंबर सी है समर्थन या ऑप्शन नंबर डी है विरोध। तो 148 का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कार का विलोम होता है समर्थन देना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 149 है, सुलभ का विलोम क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है लभ्य, ऑप्शन नंबर बी है दुर्लभ, ऑप्शन नंबर सी है असहज या ऑप्शन नंबर डी है सर्वसुलभ। तो 149 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुलभ का जो विलोम होता है वो होता है दुर्लभ। प्रश्न संख्या 150 है, स्वीकार का विलोम क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है विकारयुक्त, ऑप्शन नंबर बी है निर्विकार, ऑप्शन नंबर सी है अविकारी, ऑप्शन नंबर डी है विकारी। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्वीकार का विलोम जो होता है निर्विकार होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। निर्देश दिया गया। प्रश्न संख्या 151 से 157 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्यांशों अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के चार चार विकल्प दिए गए, इनमें से कोई एक विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पे चुनना है। प्रश्न संख्या 151 है, आवश्यकता पूरी होने पर मिलने वाली मानसिक शांति को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए है त्राटक, ऑप्शन नंबर बी है संतोष, ऑप्शन नंबर सी है शांति या ऑप्शन नंबर डी है तृप्ति। तो आवश्यकता पूरी होने पर मिलने वाली मानसिक शांति को कहते हैं तृप्ति प्राप्त होना, है ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 152 है, पति पत्नी का जोड़ा
के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है दंपति, ऑप्शन नंबर बी है युग्म, ऑप्शन नंबर सी है स्त्री पुरुष, या ऑप्शन नंबर डी है युगल। तो प्रश्न संख्या 152 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 153 है, देने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए है उदार, ऑप्शन नंबर बी है दित्स, ऑप्शन नंबर सी है दाता, या ऑप्शन नंबर डी है दानी। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, देने का इच्छुक को दित्स कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 154 है, देखने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रश्न ऑप्शन है ए दृष्टव्य, ऑप्शन बी है दिग्दिंगत, ऑप्शन बी है दृदृच्छा, या ऑप्शन नंबर डी है दीक्षा। देखने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 154 का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दृदृच्छा होता है देखने की इच्छा रखने के लिए। अगला प्रश्न है, वैधानिक प्रणाली से किया गया कार्य के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है औपचारिक, ऑप्शन नंबर बी है वैध, ऑप्शन नंबर डी सी है सत्कार्य, या ऑप्शन नंबर डी है सदाचार्य। तो प्रश्न संख्या 155 का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, वैधानिक प्रणाली के लिए किया गया कार्य मतलब औपचारिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 156 है, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़कर बनाए जाने वाला शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है यौगिक, ऑप्शन नंबर बी है और, ऑप्शन नंबर सी है पद, या ऑप्शन नंबर डी है पूर्ण विराम। तो 156 का जो सही जवाब है इसके लिए है ऑप्शन नंबर बी, और से दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द है इसमें और। प्रश्न संख्या 156 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 157 देखते हैं, ग्रहों के घूमने का वक्र मार्ग के लिए क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है वलय, ऑप्शन नंबर बी है वृत्त, ऑप्शन नंबर सी है कक्षा, या ऑप्शन नंबर डी है परिवृत्त। तो 157 का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रहों के घूमने वाले मार्ग को कक्षा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 164 है, किसी पक्ष में समर्थन करने वाले के लिए एक शब्द, किसी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है निरापद, ऑप्शन बी है निष्पक्ष, ऑप्शन सी है तटस्थ, या ऑप्शन नंबर डी है दत्त चित्त। तो प्रश्न संख्या 164 का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो तटस्थ कहा जाता है, जो किसी के पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला हो उसे तटस्थ कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, युयुत्स का अर्थ है युद्ध में अमर होने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला, या ऑप्शन नंबर डी है दूसरों को रुलाने वाला। 165 का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है युयुत्स, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, जिसमें अपमान का भाव हो वहाँ हंसी क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए हास, ऑप्शन नंबर बी है परिहास, ऑप्शन नंबर सी है व्यंग, या ऑप्शन नंबर डी है उपहास। तो 166 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपहास कहते हैं, जिसमें अपमान का भाव हो वहाँ सी उपहास कहलाती है, उपहास। प्रश्न संख्या 167 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ए चतुरंगिनी, बी चतुर्गिनी, सी चतुरंगिनी, या डी चतुरंगिणी। तो 167 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, उसके लिए होता है चतुरंगिनी, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 168 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है ऐश्वर्य, ऑप्शन नंबर बी है कंघा, ऑप्शन नंबर सी है एक, या ऑप्शन नंबर डी है ऐसा। तो प्रश्न संख्या 168 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऐश्वर्य ऐसे नहीं लिखा जाता है, ए पर मात्रा होती है ऐ की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में अशुद्ध वर्तनी है ऐश्वर्य में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 169 है, शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए है कवयित्री, ऑप्शन नंबर बी है कवियत्री, ऑप्शन नंबर सी है कवयित्री, या ऑप्शन नंबर डी है तीनों अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 169 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, कवयित्री होता है, ये सही है। प्रश्न संख्या 170 देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ए सुश्रुषा, बी सुश्रुषा, सी भी सुश्रुषा लिखा है और डी भी लिखा है। तो जो 170 का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो है वो सही लिखा है, सुश्रुषा ऐसे लिखा जाता है, ये सही है। प्रश्न संख्या 170 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ऑप्शन नंबर ए है ईर्षा, ऑप्शन नंबर बी है ईर्षा, ऑप्शन नंबर सी है ईर्षा, या ऑप्शन नंबर डी है ईर्ष्या। 171 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, ईर्ष्या में आधा श्या होता है और यहाँ पर रा की मात्रा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 172 देखते हैं, शुद्ध रूप है दुर्निवार, ऑप्शन नंबर बी है दुर्निवार, ऑप्शन नंबर सी है दुहनिवार, या ऑप्शन नंबर डी है दुर्निवार। तो 172 में का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर
डी दुर्निवार ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 172 का सुदुरुप दुर्निवार का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न 173 संधव किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है हाथी, ऑप्शन नंबर बी है घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी है नदी या ऑप्शन नंबर डी है पहाड़। तो 173वें का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यह संधव घोड़ा का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 174 है। जो शब्द नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। राजा शब्द का पर्यायवाची जो नहीं है उसे आपको बताना है। ए छपाकर, बी नृप, सी नरेश या ऑप्शन नंबर डी है भूपति। तो इसमें जो सही जवाब है 174वें का वो है ऑप्शन नंबर ए, राजा का पर्यायवाची छपाकर नहीं होता है। बाकी नृप, नरेश और भूपति ये तीनों राजा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 175 है। जो शब्द नीचे दिए गए शब्दों का पर्याय नहीं है उसे चुनिए। पहाड़ का पर्यायवाची जो नहीं है उसे चुनना है। यह है पर्वत, ऑप्शन नंबर बी है भूधर, ऑप्शन नंबर सी है भूप या ऑप्शन नंबर डी है गिरी। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, भूप जो है वो राजा का पर्यायवाची होता है जो कि पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। बाकी के लिए पर्वत, भूधर और गिरी ये तीनों पहाड़ के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो शब्द नीचे दिए गए शब्द का पर्याय नहीं है उसे चुनिए। सूर्य का जो पर्यायवाची नहीं है उसे चुनना है। ऑप्शन नंबर ए है रवि, ऑप्शन नंबर बी है इंदु, ऑप्शन नंबर सी है दिनेश या ऑप्शन नंबर डी भास्कर। इसमें से जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदु जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी रवि, दिनेश और भास्कर ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 177 है, जो किसी से कुछ ना मांगे उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए है याचक, ऑप्शन नंबर बी है अजाची या ऑप्शन नंबर सी है अयच या ऑप्शन नंबर डी है अयाचक। तो प्रश्न संख्या 177 का जवाब है वो है नंबर ऑप्शन नंबर डी है, जो किसी से कुछ ना मांगे उसके लिए एक शब्द होगा अयाचक, ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।